हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फैमिली रेसिपी में स्वागत है। आज हम चॉकलेट कपकेक बनाएंगे सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चॉकलेट कपकेक बनाना। हमने यहाँ चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं। हम इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद उसे ग्राइंडर में डाल दे और उसको बारीक पीस ले। उसका एकदम ही फाइन टेक्सचर आना चाहिए। बारीक पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून शुगर डाल दें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 टेबलस्पून शुगर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। याद रहे, दूध लूक वार्म होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा। इसे मिक्स करें जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। इसमें हम थोड़ा और दूध डालेंगे और इसे वापस से मिक्स करेंगे। अगर आप कपकेक ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर दें, बट साथ ही साथ आप उसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दें, नहीं तो चॉकलेट कपकेक बहुत कड़वा लगेगा। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब हम इसे विक्सर से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। बैटर अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की, आप इसमें दूध ऐड करें ये कंसिस्टेंसी तक। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून इनो डाल दे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ 4 मीडियम साइज के कप लिए हैं। अब हम इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। तेल को अंदर कप में सारी जगह लगाना है। ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें बैटर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से चोको चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई बात नहीं। अब हम इसे एक एल्यूमिनियम के प्लेट में या एल्यूमिनियम के मोल्ड में रख देंगे कप को।
मैंने यहाँ एल्यूमिनियम के पतीले में स्टैंड रख के ढक दिया था और उसे 10 मिनट प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसमें कपकेक रख देंगे और उसे ढक के 20-25 मिनट तक लो फ्लेम में रखेंगे। बीस से 25 मिनट के बाद हमारे कपकेक्स रेडी हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है उसका और बहुत ही स्पंजी बने हैं। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा था। खाने में भी बहुत ही चॉकलेटी लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।